शादी ब्याह त्योहार हो और महिलाएं श्रृंगार न करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। और महिलाओं का श्रृंगार बिना मेहंदी के पूरा हो जाए, इसकी तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सच ही है, प्यार का रंग चढ़ाने वाली होती है मेहंदी। मेहंदी की सांस्कृतिक पहचान इतनी है कि ज्यादातर धर्मों के मांगलिक कार्यक्रमों में इसका प्रयोग शुभता के लिए होता है। किसी भी खास मौके पर छोटी लड़कियों से लेकर घर की बड़ी महिलाओं के हाथ में मेहंदी का रंग दिख ही जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आज इतने बड़े स्तर पर इस्तेमाल की जा रही मेहंदी का इतिहास क्या रहा है? कहा जाता है कि मेहंदी 9000 साल पहले ही प्रचलन में आ गई थी। मिश्र सभ्यता की आखिरी रानी क्लियोपेट्रा को मेहंदी बहुत ज्यादा पसंद थी। वो इसे अपनी सुंदरता में 4 चांद लगाने के लिए इस्तेमाल किया करती थी। मेहंदी करती है दवा का भी काम। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये पीलिया और अन्य बीमारियों में भी बेहद प्रभावशाली है। मेहंदी का प्रयोग डाइंग और बालों की जड़ों को मजबूत करने के लिए भी होता है। यह बालों को मजबूत, घना और चमकदार बनाने में बहुत लाभकारी है। ये बाल झड़ने की एक आयुर्वेदिक दवा भी है। साथ ही ये बालों का पीएच बैलेंस भी बनाए रखती है। इसके फूलों का इस्तेमाल परफ्यूम बनाने के लिए होता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मेहंदी कूलिंग एजेंट की तरह काम करती है। साथ ही मेहंदी सन स्ट्रोक्स और सिर दर्द से भी बचाने में बहुत ही लाभकारी है। शादी पर क्यों लगाई जाती है मेहंदी? भारतीय दुल्हनों के हाथ और पैरों पर मेहंदी लगाई जाती है। इसके बिना दुल्हन के श्रृंगार को अधूरा माना जाता है। वहीं दुल्हे के हाथ पर भी इसे लगाया जाता है। इसके अलावा सदियों से चले आ रहे रीति रिवाजों के पीछे कुछ ऐसी वजह हैं जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। शादी में हल्दी की रस्म भी शामिल होती है, लेकिन क्या आप रीति रिवाज को करने का कारण जानते हैं? शादी पर क्यों लगाई जाती है हल्दी? शादी के फंक्शन में दुल्हा और दुल्हन को हल्दी का लेप लगाया जाता है। बड़े बुजुर्गों की माने तो ऐसा करने से जोड़े के चेहरे पर नेचुरल चमक लाने में मदद मिलती है। वहीं इसके पीछे वैज्ञानिक कारण की बात करें तो हल्दी को इसके औषधीय गुणों के कारण एक बेहतरीन जड़ी बूटी माना जाता है। ऐसे में हल्दी से शरीर को फायदा मिलने में मदद मिलती है। हल्दी स्किन में बैक्टीरिया को खत्म करती है। हल्दी का पेस्ट आमतौर पर तेल के साथ मिलाकर तैयार किया जाता है, इसीलिए ये स्किन को स्मूथ बनाने में भी मदद करता है। शादी में क्यों भरी जाती है लड़की की मांग? शादी में दुल्हा दुल्हन की मांग भरता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है? मान्यता के अनुसार सिंदूर के कुछ बेहतरीन हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। इसमें हल्दी, चूना और थोड़ा सा पारा होता है। इसे जब दुल्हन के बालों पर लगाया जाता है तो पारा शरीर को ठंडा करता है और उसे आराम का एहसास कराता है। ये उनके बीच एक यौन ड्राइव को भी ट्रिगर करता है। शादी के बाद क्यों पहनते हैं बिछिया? हिंदू रीति रिवाज में दुल्हनों के लिए अपने पैर के अंगूठे में बिछिया पहनना जरूरी होता है। इसे पहनने के पीछे की वजह ये है कि अंगूठे में एक विशेष नस होती है जो गर्भाशय से गुजरते समय दिल से जुड़ती है। पैर की अंगुली की बिछिया गर्भाशय को मजबूत बनाती है और मासिक धर्म के चक्र को नियंत्रित करती है।